टीवी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर आत्महत्या मामले में पुलिस पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि वैशाली की मौत के बाद से ही हत्यारा राहुल और उसका परिवार गायब है। ऐसे में अब गुनाहगार राहुल समेत बाकी लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और आरोपियों पर इनाम भी रखा है। जी हां, वैशाली के इस केस में क्या क्या नई अपडेट सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है और कैसे इस मामले पर पुलिस काम कर रही है, ये एक एक बात हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर, जहां दिखे राहुल बताने पर मिलेगा 5,000 का इनाम। जी हां, राहुल और वो लोग जिन पर वैशाली को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है उन पर पुलिस ने इनाम रख दिया है। अब राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में एक्शन लिया है। उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। इसके अलावा 5,000 पे बतौर इनाम का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि वैशाली की मौत के मामले में राहुल, उसकी पत्नी दिशा और उसके साले रोहित का भी नाम सामने आया है। वहीं पुलिस ने राहुल और दिशा पर आईपीसी की धारा 306 के तहत केस भी दर्ज किया है। दूसरी अपडेट, एयरपोर्ट्स को भी जानकारी पहुंचा दी गई। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राहुल अपने परिवार के साथ देश छोड़ने की ताक में बैठा हुआ है। वो संपन्न परिवार से आता है और खुद भी बढ़िया कमाता है। ऐसे में उनका देश छोड़कर भागना मुश्किल बात नहीं है। ऐसे में राहुल को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सभी एयरपोर्ट्स को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है, जिससे वो कहीं बाहर ना जा सके। पुलिस की इस हरकत से अब राहुल की परेशानी जाहिर तौर पर बढ़ने वाली है। और तीसरी अपडेट, मितेश से बात करने की जा रही कोशिश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैशाली के मंगेतर मितेश से भी बात करने की कोशिश कर रही है पुलिस। हालांकि पुलिस उनसे संपर्क नहीं कर पा रही। बता दें कि मितेश यूएसए में रहते हैं, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि मितेश से जल्द संपर्क हो, जिससे इस मामले की जड़ तक और अच्छे से पहुंचा जा सके। साफ है कि राहुल और दिशा को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ चुकी है, एक्शन में आ चुकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है।